एक आदमी लावारिस की तरह कुछ घंटे पहले गोड्डा बस स्टैंड पर बीमार अवस्था में पड़ा हुआ था। उसे गोड्डा की पुलिस ने उठाकर सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया, इस उम्मीद से कि इसका बेहतर इलाज होगा और यह अधेड़ एक स्वस्थ जीवन जिए। लेकिन जमीन पर पड़े इस व्यक्ति की मौत कल ही हो गई। तब से लेकर ना तो अब तक कोई अस्पताल प्रबंधन इसे देखने आया, ना ही हम जैसे बुद्धिजीवियों में से कोई इस बात की जद्दोजहद में दिखा कि इस मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार कैसे होगा। कहते हैं इंसान इस धरती पर सबसे बुद्धिजीवी में से एक है, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा बसती है। लेकिन जिस मरी हुई आत्मा की तस्वीर आपके कैमरे स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हैं, यह कहीं और की नहीं बल्कि आपके अपने गोड्डा जिला के सदर अस्पताल के प्रबंधन की मरी हुई आत्मा और संवेदना को दर्शा रही है। पहले आप उन लोगों का बयान सुनिए जो सदर अस्पताल के मेल वार्ड में मौजूद हैं और इस सब के पास अपने पेशेंट के साथ मौजूद रहने को मजबूर है। मेरा नाम गोपाल है। कितने दिन से आपका पेशेंट है? ये 4 दिन से है। तो वो जो डेथ किया हुआ पेशेंट है वो कब से डेथ किया हुआ? कल डेथ किया था। कल डेथ किया है, अभी तक उठाया नहीं गया? नहीं। ये जो डेथ किया हुआ पेशेंट है वो कब से यहाँ पे? कल 3 बजे से। उठाने कोई नहीं आया है? आप लोग 5-6 दिन से बोलता है कि हम लोग तो परसों आए हैं, 5-6 दिन से बोलता है यहीं पड़ा हुआ है, कोई ना है इसका घर, कोई तो यहीं पड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि कल से लेकर अब तक कोई भी स्वास्थ्य कर्मी इस वार्ड में नहीं आया। सवाल यह है कि क्या अस्पताल प्रबंधन की संवेदना इतनी मरी हुई है कि उनके अस्पताल में किसी की मौत हो जाने के बाद उसके बाद की कार्रवाई में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सवाल यह भी है कि क्या इंसानियत के नाते ही सही, पर क्या इस व्यक्ति को भी उसी तरह अंतिम विदाई नहीं दी जा सकती जिस तरीके से कोरोना से मरने वाले संक्रमितों को दी जा रही है। हम आपको कई सारी बातें दलीलें देकर आपको दर्शा सकते हैं कि इसने ये गलती की, उसने वो गलती की, लेकिन सच्चाई तो ये है कि साहब कि इस डिजिटल धोती दुनिया में हमारा रवैया पाषाण युग से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। जिला टॉप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस बात को जिला स्वास्थ्य विभाग के सामने रख चुका है, लेकिन यहाँ जरूरत उन लोगों को सामने आने की थी जिन लोगों का स्वास्थ्य विभाग की इज्जत मर्यादा और जिम्मेदारी को बरकरार रखने की तनख्वाह देता है। व्हाट्सएप फेसबुक पर इंसानियत की बातें करने से ज्यादा अच्छा होगा कि अपनी असल जिंदगी में भी उन पंक्तियों को हम सभी चरितार्थ करें और असल मायने में एक नागरिक बने। क्या काम है आपका यहाँ पे? यहाँ पेशेंट का देखरेख करना। तो 3 दिन से यहाँ बॉडी पड़ा हुआ है, कल शाम से, तो अब तक कोई उठाने नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया है, इसका घर इंफॉर्मेशन कर गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार है। डोसा प्लाजा और वेजी स्पेशन यूएई, कतर, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी और अब आपके शहर गुड्डा में भी साउथ इंडियन, चाइनीज डोसाज, मैक्सिकन डोसा, सैलेड डोसाज, हेल्दी उत्तपाज, राइस प्लाजा, चाइनीज डिशेस, पाव भाजी और मुंबई चाट आइटम्स का एकमात्र रेस्टोरेंट डोसा प्लाजा। पता है बेसमेंट ऑफ रिलायंस सुपर मार्केट नियर HP पेट्रोल पंप गुड्डा।